गिरीश मिश्रा अपने जीवन के आखिरी समय में थे जब उनके बेटे ने उन्हें एक हॉस्टल में दर्ज करवाया। अब ये जो हॉस्टल था ये काफी अलग सा था, ये किसी ट्रेडिशनल ओल्ड एज होम जैसा नहीं था जहां पे उनकी देखभाल के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हो, सुख सुविधा हो, बल्कि ये एक छोटी सी अंधेरी सी बिल्डिंग थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12 कमरे थे। अगले 2 हफ्ते तक गिरीश मिश्रा के बेटे और बेटी ने उनकी देखभाल की, वो उनका फेवरेट खाना उन तक पहुंचाते, उनकी हर तरीके से सेवा करते, और फाइनली वो दिन आ गया जिसका गिरीश मिश्रा जी को इंतजार था। उन्होंने वाराणसी में अपनी आखिरी सांस ली और उनकी मृत्यु हो गई। अब ये कहानी है एक ऐसे हॉस्टल की जहां गिरीश की तरह ही देश के अलग अलग कोनों से लोग अपनी आखिरी सांस लेने आते हैं, इन शॉर्ट मरने आते हैं। लेकिन ये कोई सुसाइड पॉइंट या मर्जी किलिंग करने की जगह नहीं है, बल्कि ये जगह है वाराणसी का मुक्ति भवन यानी सालवेशन होम, जहां लोग अपना मोक्ष प्राप्त करने की उम्मीद में अपना आखिरी समय बिताते हैं। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां पे 24 घंटे चिता की अग्नि जलती रहती है, जिसमें करीब 100 लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाता है। अब इस सब की वजह से ना वाराणसी जाते ही आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती है, और वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इससे साधु अपनी साधना पूरी कर पाते हैं। लेकिन ये एनर्जी कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह इफेक्ट भी कर सकती है। द सिटी ऑफ डेथ कहे जाने वाले वाराणसी में हर साल करीब 20,000 लोग तीर्थ यात्रा करते हैं सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए। तो मुक्ति भवन जैसे जगहों का सिर्फ एक अनोखा मकसद होता है, इंसानों को वाराणसी में मृत्यु पाने का मौका देना। ये जगह स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में है और अपनी आखिरी सांस वाराणसी में लेना चाहते हैं। और इसलिए इनकी पॉलिसी होती है कि अगर 15 दिन तक आपकी मृत्यु नहीं होती है या फिर आपकी तबीयत में सुधार आता है तो आपको यहाँ से वापस जाना होगा। और तो और यहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, बस कुछ 10 से 15 कमरे होते हैं जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड लोगों को लिया जाता है। एक छोटा सा मंदिर होता है और एक पुजारी होता है जो सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता है। इन सब के पीछे एक बिलीफ छुपा है कि वाराणसी में जिसकी भी मृत्यु होती है उसका जीवन मृत्यु का जो चक्र होता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और ये जो बिलीफ है वो जुड़ी है वाराणसी के लंबे इतिहास से, जहां काफी समय पहले इस शहर को काशी द सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था। तो कैसे ये सिटी ऑफ लाइट्स बन गई सिटी ऑफ डेथ? ऐसा माना जाता है कि काशी शिवजी ने बनाई थी। मत्स्य पुराण के हिसाब से शिवजी कहते हैं काशी मेरा राज है और यहाँ जो भी आएगा वो अपने सारे कर्मों से मुक्ति पाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर जाति और हर रंग का इंसान काशी में एक समान है। लेकिन इस सब के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे शायद कोई नहीं जानता। ये कहानी है ऋषि मार्कंडेय की। ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ जब उनके पिता ऋषि मृकंड सालों तक एक संतान पाने के लिए शिवजी की आराधना कर रहे थे, और एक दिन शिवजी उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने उनकी प्रार्थना सुनी, उसे स्वीकार की, लेकिन उन्हें एक ऑप्शन भी दिया। शिवजी ने ऋषि मृकंड से पूछा कि क्या उन्हें एक ऐसी संतान चाहिए जिसकी बहुत ही लंबी उम्र हो लेकिन वो मूर्ख हो, या फिर एक ऐसी संतान जो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद हो लेकिन उसका जीवन सिर्फ 16 साल का हो, यानी कि 16 साल होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि मृकंड ने कहा कि उन्हें एक अक्लमंद संतान चाहिए। शिवजी ने उनकी इच्छा पूरी की और उनकी पत्नी की कोख से जन्म हुआ ऋषि मार्कंडेय का। ऋषि मार्कंडेय इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया था। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका ज्ञान बढ़ता चला गया और वो एक बहुत बड़े शिव भक्त बन चुके थे। उन्हें अपने भाग्य के बारे में भी पता चल चुका था और इसीलिए 16 साल की उम्र से कुछ समय पहले से ही उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या करना शुरू कर दिया था। और उनकी निश्चित मृत्यु का दिन आने पर जब यमराज के दूत ऋषि मार्कंडेय को लेने आए तब वो शिवजी के लिंग के साथ तपस्या में मग्न थे। यमदूतों ने अपना पूरा जोर लगाकर उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन एक शिव भक्त की भक्ति के सामने उनका जोर कम पड़ गया और ये देख के यमराज खुद मार्कंडेय के प्राण लेने आए। यमराज से भयभीत होकर ऋषि मार्कंडेय ने शिवलिंग को कस के पकड़ लिया और अपनी जान को बख्श दिए जाने की प्रार्थना की। यमराज ने जब अपने चाबुक को ऋषि मार्कंडेय के गले में फंसाया तो उसी के साथ उसके फंदे ने शिवलिंग को भी अपने जकड़ में ले लिया। अब ये होने के बाद शिवजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और साक्षात वहां पे प्रकट हो गए और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज का सर धड़ से अलग कर दिया। एक शिव भक्त के सामने मृत्यु स्वयं पराजित हो गई। ऋषि मार्कंडेय को तो नया जीवन मिल गया, लेकिन यमराज की मृत्यु हो जाने की वजह से पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि अब बिना यमराज के किसी की मृत्यु हो नहीं सकती। चारों ओर असुर, राक्षस, पापियों का कहर बढ़ने लगा और संसार में पूरी तरह उथल पुथल मच चुका था।
और इस वजह से सारे देवताओं ने मिलकर शिवजी से विनती की कि वो यमराज को दोबारा जिंदा कर दें। शिवजी ने उनकी बात मान ली और यमराज को दोबारा जीवित किया, लेकिन दो शर्तों पर। पहली ये कि वो ऋषि मार्कंडेय का जीवन बख्श देंगे, उन पर कोई हानि नहीं आने देंगे, और दूसरी ये कि उस दिन के बाद से काशी में यमराज और उनके दूतों का प्रवेश करना सख्त मना है। शिवजी ने साक्षात मृत्यु को काशी में प्रवेश करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से जो भी काशी में अपनी देह त्यागता, उनकी आत्मा यमलोक में नहीं जा सकती, जिससे उनका जो जीवन और मृत्यु का चक्र है वो वहीं पे खत्म हो जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और यही कारण है कि आज लोगों का मानना है कि काशी में यानी वाराणसी में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन कलयुग के अंधेरे भरे समय में लोगों ने इस बात का फायदा उठाना चाहा। धीरे धीरे दुष्ट और पापी लोगों से काशी भरने लगी और हर कोई ये सोचने लगा कि चाहे उन्होंने कितना भी पाप किया हो, जो कुछ भी किया हो, काशी में सब कुछ माफ हो जाता है। और इस वजह से संसार में बुराई और अराजकता अपनी सीमा पार कर चुकी थी, चारों ओर तबाही मच रही थी। और फाइनली इस सब को रोकने के लिए काशी में प्रकट हुए काल भैरव। अब काल भैरव लॉर्ड शिवा का एक भयंकर रूप है। क्रोध से भरी हुई आंखें, टाइगर के दांत, अपनी गर्दन पे लिपटे हुए सांप और इंसानी खोपड़ियों की माला पहने काल भैरव साक्षात डर का एक चेहरा है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा का एक सर काट दिया था। और इसीलिए कहते हैं कि बुराई का नाश करने के लिए शिवजी ने काल भैरव को काशी के गेट्स पे तैनात किया हुआ है और उन्हें काशी का कोटवाल यानी रक्षक बुलाया जाता है। तो अगर आपने अपने जीवन में बहुत पाप किया है और यमलोक की सजा से बचने के लिए आप काशी जाते हैं, तो आपका सामना काल भैरव से होगा। मृत्यु के कुछ ही मोमेंट्स पहले जब आपका जीवन आपकी आंखों के सामने चल रहा होगा ना, उस समय काल भैरव आते हैं और आपको यमलोक में मिलने वाली सजा को कुछ ही मोमेंट्स में एक्सपीरियंस करवाते हैं। इस सजा को भैरवी यातना कहा जाता है, द अल्टीमेट सफरिंग, यानी यमलोक की यातना जो पृथ्वी पर काशी में मिलती है, जिसे काल भैरव देते हैं। भैरवी यातना जिसको भी मिलती है ना, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बहुत सारे शरीर है और उसके हर एक शरीर को उसके कर्मों की सजा एक साथ मिल रही है। उसे इतना दर्द महसूस होता है जितना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कहते हैं कि मरने पर इंसानों को 40,000 बिच्छुओं के डस लेने जितना दर्द महसूस होता है, लेकिन भैरवी यातना इससे भी कई ज्यादा दर्दनाक होती है। और इसी तरह उसके हर जन्म के पापों की सजा मिलने के बाद उसका जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो पूरा हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा होती है वो हमारे शरीर को छोड़ देती है और हमारा शरीर जो है खाली वेसल जैसा बन जाता है, और इन्हीं खाली वेसल्स को अग्नि में भस्म कर दिया जाता है मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट काशी के 84 घाटों में से एक ऐसा घाट है जहां पे 24 घंटे 365 दिन हर समय चिता की अग्नि जलती रहती है। लेकिन इस जलती हुई अग्नि में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर पूरी तरह मृत नहीं होता। जिस तरह पैदा होने का एक प्रोसेस है, उसी तरह मृत्यु का भी एक प्रोसेस है जिसमें लगभग 12 दिन लगते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मरने वाले का शरीर अगले 12 दिनों तक जिंदा रहता है, लेकिन अगर इन 12 दिनों के पहले ही किसी इंसान की बॉडी को जला दिया जाए तो उसके अंदर की जो जीवन ऊर्जा होती है वो आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। और इसीलिए जब भी कोई मणिकर्णिका घाट पर जाता है तो उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है, और ये एनर्जीज उन लोगों की चिताओं से आती है जिनकी डेथ के प्रोसेस को बीच में रोक दिया गया हो। कुछ साधु खासकर आघोरी इस ऊर्जा को अपनी साधना को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज करते हैं, और इसीलिए अक्सर आघोरी चिताओं के पास साधना करते हुए पाए जाते हैं। वैसे आघोरी पे हम एक डिटेल वीडियो जल्दी लाने वाले हैं, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वाराणसी और डेथ का जो कनेक्शन है ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ मृत्यु से डरा नहीं जाता बल्कि उसे सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि मृत्यु जो है वो जीवन का ही एक हिस्सा है। और 24 घंटे जलती हुई लाशों की चिताओं पर बिताने वाले डोम राजा जो चिताओं को आग देते हैं, उनके लिए मृत्यु ही उनका पूरा जीवन है, और वो मृत्यु से जुड़ी हुई हर एक चीज को, उस पूरे रिचुअल को शुद्ध मानते हैं। इतना कि कई बार चिता पे यूज होने वाली लकड़ियों से उनके घर का चूल्हा जलता है। और तो और वाराणसी में राख से होली खेली जाती है। तो ये सब हमें ये बताता है कि जीवन और मृत्यु आपस में कितने समान है और कैसे दोनों का अपना अपना महत्व है। तो आपके वाराणसी के बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें ये भी बताना कमेंट्स में कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। और ऐसे ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।